कहाँ है, वो सेफ जोन में है या नहीं, अभी ट्रेवल कर रहे हैं, अभी उनको कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं पहुँचना, उस चक्कर में थोड़ा सा बहुत सारी मछलियाँ डरी हुई रहती हैं। लेकिन देखिए धीरे धीरे जैसे ही तकरीबन अभी अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कुछ एक्वेरियम के बॉक्स आए हुए हैं जिनमें कि नई नई फिशेस होती हैं। सारे के सारे टैंक में पन्नियाँ डाल दिए, कुछ बची हुई हैं जो जैसे कि ये अब एक एक खाली करके सबका टेम्परेचर ऐसे मैच करवाया जाता है। फिर 5 से 10 मिनट जब टेम्परेचर मैच हो जाता है उसके बाद इनको सबको खोलेंगे। तो आज एक्चुअल मैं हूँ अकेले, तो इसके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे मैं नेट से और फिर एक्वेरियम में टेम्परेचर और पानी मेल्ट करवाने के बाद दिखाया करता था डाल के, वो चीज़ आज नहीं हो पाएगी। तो मैं आप लोगों को क्या है कि मेरे एक्वेरियम में पानी भी कम हो गया, मैं थोड़ा 1-2 दिन के लिए बाहर चला गया था, तो आज मैं इस पानी के साथ में ही इस फिशेस को इसके अंदर डाल दूंगा। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ एंजल फिश से। तो टेम्परेचर देख रहे हैं कैसे मैच हुआ, अब इसी पानी को इसी के साथ में मेल्ट हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली हमेशा सजेशन देता हूँ अगर पानी अच्छा है और आपकी मछलियाँ भी अच्छी हैं तो पुराने पानी का भी उपयोग साथ में करें, उससे मछलियों को झटका नहीं लगता अचानक से नए पानी में जाने का और मरने का भी चांस उनके बहुत कम हो जाते हैं नए टैंक में जाने के बाद। या मैं आप लोगों को बता दूँ वाइट एंजल या प्लेटिनम एंजल भी कहा जा सकता है इनको, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एकदम से। पिछली बार मेरे पास सिर्फ एक ही बची थी जो कि एक भाई साहब लेके गए, काफ़ी शानदार टैंक भर गया, सिर्फ इसमें अभी तक पेंसिल फिशेस ही थी। अब सेम वही प्रोसेस है, इसे मैं ऊपर तरफ से काट लिया हूँ बिकॉज मैं अकेले भी हूँ और इससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, पूरी पन्नी नहीं फाड़े हैं, इसे पन्नी दोबारा रीयूज हो जाए और वेस्ट ना हो। देख सकते हैं पुराना पानी जो था इसमें काफ़ी गंदा था, बट ये फिल्ट्रेशन सिस्टम मेरा इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी सुबह तक मैं साफ़ कर देगा इतना मुझे पता है। गोल्ड फिश की भी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आई हुई है, हम लोग देख सकते हैं सेम प्रोसेस से ये बनाना चिकलेट हैं और इन्हें भी कर रहे हैं टेम्परेचर मैच करवाए हैं, पानी डायरेक्ट मेल्ट हो रहा है। अब इसका परिणाम तो देखिए कल सुबह पता चलेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि मछलियों को कोई दिक्कत हो सकती है या हो जाती है, कलर तो ऑलरेडी इनके फेड हैं एकदम, उतने साइन नहीं है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अभी भी नई नई आई हुई है। अब इनका हाल मैं कल का भी दिखाता हूँ विथ प्राइस भी उस पर रहेगा, वीडियो यही रहेगा। अब यहाँ पर उन्हें ओपन होने जाने वाली किसिंग गुरामी जो कि पिछली बार नहीं आई थी और इस बार ही आई हुई है, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। पन्नी का पानी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा ही दिख रहा है मुझे भी, जैसे आप लोगों को दिख रहा है, बट किसी किसी फिशेस में ऐसा हो जाता है कि उनका पानी गंदा होता है बट फिशेस की क्वालिटी अच्छी होती है, फिश भी अच्छी होती है। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं फिशेस तो बढ़िया ही दिख रही हैं, उम्मीद है सवेरे तक में फ़िल्टर मेरा पानी साफ़ कर देगा। मछली की साइज़ तो काफ़ी अच्छी है। अब ये आ गई टाइगर सार्क, एल्बिनो सार्क और प्रॉन सार्क, इनका पानी तो कुछ ज़्यादा ही गंदा है, लेकिन मैं इनका तो कभी भी सजेशन भी नहीं देता हूँ कि आप लोग ये पानी एक्वेरियम में ना डालें या इस फिश को तो बिना पानी के आप डालें। इसका रीज़न ये है कि इनको इतना भयानक शौक लगता है कि ये पानी में जाते ही पलटने लगती हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि इनको जितने गंदे से गंदे पानी में रखेंगे उतने ही इनकी लाइफ रहेगी, अगर इनको साफ पानी दे दें तो साफ पानी में जाते साथ ही मछलियाँ मरने लग जाती हैं। अब अनबॉक्स होने वाली है कलरफुल वीडियो डेटरा, इस बार वीडियो के वही कलर आए हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा चमकदार भी होते हैं, जैसे कि रेड वीडियो, पिंक वीडियो, उसके साथ में येलो वीडियो। इनके सबसे खास बात ये भी होती है कि ब्लू लाइट में ग्लो करती हैं, ग्लो फिश जिसकी जैसे इनके कहते हैं। इसका जो पर्पल कलर होता है ब्लू कलर होता है वो ऑलरेडी ब्लू होने की वजह से ब्लू लाइट में वो ग्लो नहीं करता। ग्रीन भी काफ़ी अच्छा ग्लो करता है, ग्रीन येलो तो सबसे ज़्यादा। ये टैंक इस बार मैंने टैंक पहले ये वाला पाकू का टैंक हो गया तो इस वाले टैंक को मैंने पूरा ग्लो फिश का टैंक कर दिया, टैंक काफ़ी ज़्यादा भरा भरा दिख रहा है। ओपन होने जा रही है गुरामी फिश, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसको बिल्कुल मतलब कि अगर कोई एकदम से पानी ज़्यादा हो लो फिल्ट्रेशन में रखना चाहता है, लो एयर फिल्ट्रेशन, लो ऑक्सीजन लेवल, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिश होती है। इसको ज़्यादा बल्कि ऑक्सीजन और फिल्टर का फोर्स वाली ऑक्सीजन जो होती है पावर फिल्टर से चलती है, अगर उसको चला के रख देते हैं इसमें फंगस भी लग जाते हैं अगर बहुत तेज़ इसको बबल्स लगते हैं। तो देख सकते हैं डॉलर फिश फिर से आ गई है, बहुत अच्छी साइज और बहुत अच्छी क्वालिटी की। पिछली बार जो भैया लोग नहीं ले पाए थे बोल रहे थे मुझे चाहिए आप मुझे बताया नहीं, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग टाइम से आके फिर से ले जा सकते हैं, नहीं तो डॉलर फिश बहुत कमी मिलती है वो भी अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि इस बार की फिर से आ चुकी हैं। और रेट भी इस बार एक्चुअल में फिशेस में भी ऑफ़र होने वाले हैं, तो रेट भी मैं बताने वाला हूँ उसी वीडियो में कि ऑफ़र में इनके क्या फेस्टिवल ऑफ़र तक क्या रेट रहेंगे, काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट देने वाला हूँ मैं। दोस्तों आज दूसरा दिन है, सारी मछलियाँ सेटल हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सबका सब एकदम फिशेस एकदम से हैप्पी हैं, इनके मूवमेंट्स ही पता चल रहा है, जैसे सारी ऑस्कर फिशेस को देख रहे हैं कि उनको अब लग रहा है उनको खाना। मैं आप लोगों के सामने अपनी मछलियों किसी को कुछ खाना खिलाने वाला हूँ। शिशिल फिशेस का टैंक देख सकते हैं, इस बार ग्रीन सेवरम भी आई काफ़ी दिनों के बाद और येलो सेवरम भी आया ही हुआ है,
गोल्ड वगैरह भी काफ़ी सेटल्ड हो चुके हैं सबके सब। इनकी अब बात करते हैं आज अपन लोग रेट की और क्वालिटी भी देखेंगे कि कैसी है, फीडिंग वगैरह देखते हैं कैसे ले रहे हैं, क्या इनका सिस्टम है। ऑस्कर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बड़ी मछलियों में, फीडिंग कैसे ले रही हैं क्या है। मैं इनको अभी टोया बीट्स खिलाया हूँ, देख रहे हैं कि सबके सब बहुत ही प्यार से खा रही हूँ, सेकंड डे से फीडिंग लेने लग रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है इन फिशेस के लिए। तो जो इनका रेट है ऑस्कर फिशेस का वो मैंने रखा हुआ है 200 रुपीज़ पेयर, 100 रुपीज़ ईच। ये प्राइस आज का है और आज के और न्यू स्टॉक का है। अब अपन लोग अपनी पाकू फिश को देखते हैं, हमारा पुराने वाला स्टॉक का ही फिश है और ये भी बहुत शानदार है, थोड़ा थोड़ा बड़ी भी हो गई हैं। इनको अभी कुछ डिस्काउंट में अगर देंगे, अगर कोई चारों मछलियाँ लेगा तो मैं उनको काफ़ी कम रेट में दे दूँगा। 250 रुपीज़ इसके हिसाब से मैं इसका रेट लगा के रखा हुआ था, पर 200 के हिसाब से दे देंगी इसे भी। सिल्वर टेन फाइल बार बहुत दिनों बाद आई, काफ़ी दिनों से इसका इंतजार रहता था, आई नहीं। अभी वो फीडिंग ले रही रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लेने में, क्योंकि अभी तो उनको स्ट्रेस में डरी हुई, उनको कुछ मछलियों को तो पता ही नहीं कि कहाँ है वो, सेफ जोन में है या नहीं, अभी ट्रेवल कर रहे हैं, अभी उनको कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं पहुँचना, उस चक्कर में थोड़ा सा बहुत सारी मछलियाँ डरी हुई रहती हैं। लेकिन देखिए धीरे धीरे जैसे ही अब उन्हें पता चल गया नहीं सब कुछ ठीक ठाक है तो कैसे अपने आप लेने लगी। अब उन्हें पता चल गया वो बेहतरीन जगह पे आ गए, इनको यहाँ पे खाना भी मिलता है, सारा कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी अगली बार से। अब इनका जो पेयर मैंने रखा हुआ है 80 रुपीज़ पेयर और 40 रुपीज़ ईच, एल्बिनो टिन फाइल बार सेम रेट है। इसमें कुछ सेवरम डली हुई येलो सेवरम, इनके रेट अलग हैं, ये 100 रुपीज़ ईच हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीडियो डिट्रॉस कलरफुल, इनका रेट हम लोगों ने रखा हुआ 70 रुपीज़ पेयर, 35 रुपीज़ ईच। और ये आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे टाइगर सार्क हैं एल्बिनो प्लस ब्लैक दोनों, इनका ही सेम प्राइस मैंने रख दिया है 80 रुपीज़ पेयर, 40 रुपीज़ ईच। अब यहाँ पे देखते हैं डॉलर सब सबकी साथ में है, एक साथ और अपने ग्रुप पे ही है, और इनकी भी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब स्कूलिंग भी करती हैं, देखने भी अच्छी होती, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा भी हो रहा है। ये 100 रुपीज़ ईच हैं, इसी गुरामी काफ़ी बेहतरीन है, साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये 100 रुपीज़ पेयर है, 50 रुपये की एक है, इसके साथ में गुरामी ब्लू, 3 स्पॉटेड गुरामी प्लस ब्लू गुरामी जिनको बोलते हैं, 80 रुपीज़ पेयर, 40 रुपीज़ ईच। बनाना चिकलेट्स 150 रुपीज़ पेयर, इसमें कुछ छोटी साइज़ की जो ब्लू चिकलेट्स हैं जो इसी टैंक में है वो भी मैं सेम रेट ही लगा के दे दूँगा। सुभोंकिन फिशेस आई हैं, ये भी गोल्ड भी आई है, सुभोंकिन भी आई, सुभोंकिन गोल्ड, ये बहुत सारी मछलियों के साथ में रह लेती थी, गोल्ड वगैरह के साथ में, कॉर्प के साथ में, ऐसे बहुत देखने में कई मल्टी कलर होती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है, हार्ड भी होती है थोड़ा सा, गोल्ड फिश से तो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसका भी जो प्राइस मैंने रखा हुआ है 80 रुपीज़ पेयर, 40 रुपीज़ ईच। ये जो नॉर्मल गोल्ड आई हुई है कल मेरे पास, जो कि कुछ अलग हैं, जैसे कि रेड और जो गोल्ड है उसका कलर नहीं बोलूँ, रेड और वाइट है, उनके अलावा जो है सिर्फ कॉमन जो गोल्ड है उनका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है वो है 80 रुपीज़ पेयर और 40 रुपीज़ ईच। वो मैं इस गोल्ड की बात कर रहा हूँ जिसका भी मैंने प्राइस बताया। इसमें कुछ एंजल डली हुई है, एंजल का भी सेम रेट है 80 रुपीज़ पेयर। यहाँ पे मेरे गप्पी फिशेस हैं और गप्पी फिशेस के भी मैंने जो प्राइस रखे हुए हैं अभी कुछ इस बार कुछ कम कर रहे हैं हम लोग प्राइस के रेट इस वीडियो के बाद से, 40 रुपीज़ पेयर, 20 रुपीज़ ईच। जाइंट गुरामी देख लेते हैं, मेरे पास 2 पीसेस हैं जो कि अलग अलग रखा हुआ हूँ मैं, और ये नहीं अलग ही रखना चाहिए मैंने देखा, और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो बिलासपुर वाले वीडियो में देखा होगा कि एक शॉप में मैं बिलासपुर में कितनी बड़ी सी जाइंट गुरामी देखा, तो आप लोगों को वहाँ का वीडियो भी बना के दिखाया हुआ था। कुछ वैसी ही यही गुरामी होती है, इतनी बड़ी हो जाएगी, एकदम विशाल काय, 1 से 2 फीट तक की, बहुत ही ऊँची चौड़ी सब तरफ से। अभी जो कल आई हुई है मेरे पास ब्लू पाउडर चिकलेट्स, और इसकी साइज़ थोड़ा सा बड़ी है पहले वालों से, पिछले स्टॉक से। इसका जो रेट हम लोगों ने रखा हुआ है 100 रुपीज़ ईच, 200 रुपीज़ का पेयर जो ये हैं। उसके साथ में ग्रीन टेरर आए हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मतलब छोटे साइज़ तो नहीं हैं और बहुत बड़े भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं, मतलब ऐसे बहुत कम ही आते हैं। इनका जो प्राइस हम लोगों ने रखा है 400 रुपीज़ पेयर, 200 रुपीज़ ईच, लगभग 2 फिट 3 इंच के होंगे। एक सेवरम है, येलो सेवरम है, बड़ी साइज़ की है, मतलब जो छोटी वाली आप लोगों को दिखाया था उससे काफ़ी बड़ी है। ये भी 300 रुपीज़ पेयर है, 150 रुपीज़ ईच। ग्रीन सेवरम है, ग्रीन सेवरम का रेट जो है 100 रुपीज़ ईच रखा हुआ है हम लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर करेंगे। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आप लोगों को ऐसी फिजिक्स की इन्फॉर्मेशन हमेशा ही मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।